हेलो एवरीवन, नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए परफेक्ट प्रोफेशंस कैसे हैं और उसमें हमारी स्किल की पॉलिश कैसे होती है। तो सबसे पहले वो दो चीज़ों पर काम करती है, एक तो नॉलेज और दूसरा है स्किल। नॉलेज 20% है और कौशल को हम 80% देंगे। ओके, पता है मतलब हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए। और स्किल, जब हम बराबर धार तेज करते हैं, कुल्हाड़ी की धार को तेज करना, मतलब हमें हमारे कौशल को पूरी तरह से निखारना, ये इसमें बहुत काम आती है। और सबसे पहले बड़ा हमारा क्वेश्चन एक है कि काम करने में हमें बेचैनी क्यों फील होने लग जाती है, क्योंकि हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता है, हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता और हमें किसी के नीचे काम करना पड़ता है। ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग परफेक्ट प्रोफेशन कैसे बना, उसमें क्या है ऐसी खासियत जो वो परफेक्ट प्रोफेशन कहा जाता है, आखिर परफेक्ट प्रोफेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले है जिसमें कोई बॉस नहीं हो, ट्रैवल भी हमें मिले, अलार्म क्लॉक की भी टेंशन नहीं हो, नो टाइमिंग टेंशन, पॉलिटिक्स ना हो, कॉम्प्रोमाइज ना हो, फिर हमारा जाति के लिए कोई भेदभाव ना हो, प्रोडक्ट बेस्ट हो, अनलिमिटेड मनी हो, पैसिव इनकम हो और लोग सबसे अच्छे हो। मैंने जो खासियतें बताई, ये सब खासियतें ये सब प्रोफेशन में नहीं है। तो सबसे पहले है मैनुअल प्रोफेशन, उसमें खुद से काम करना है, खुद से पैसे लगाना है और खुद से ही काम करना है। और मैनेजर वर्कर, उससे खाली दिमाग चनाकर छेतरपिंडी करते रहते हैं। और थर्ड है सेल्स, ये अच्छा प्रोफेशन है पर ये कभी भी जीरो से भी शुरुआत करनी पड़ती है। और ट्रेडिशनल में क्या होता है, इसके बॉस क्या करते हैं, खुद ही सब कुछ संभालना है और किसी को रखना ही नहीं है, खुद ही सब करना है। और फिफ्थ है इन्वेस्ट बेस्ट है, इन्वेस्ट से में आप कमा सकते हो, पर ये कब रातों रात उड़ जाए, ये कंपनी कब उड़ जाए, इससे कोई पता नहीं चलता, इसलिए इसमें लॉस का टेंशन भी होता है। और अब आती है नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें कोई लॉस नहीं है, आपको बाद में भी इसका प्रॉफिट मिलते रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।